कुंभ के आयोजन में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए विधानसभा और विधान परिषद में कांग्रेस आज धरने पर बैठ गई और हाईकोर्ट के जज की निगरानी में निगरानी समिति बनाने की मांग करने लगी। विधानसभा में कांग्रेस के नेता अजय लल्लू और विधान परिषद में कांग्रेस के नेता दीपक सिंह नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत कई नेता विधानसभा के बाहर चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर धरने पर बैठ गए। आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। प्रयागराज में चल रहे कुंभ के दौरान अमित शाह का संगम में स्नान का कार्यक्रम है। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर में अलग अलग जिलों से आए कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी से मुलाकात कर संगठन के बारे में जमीनी जानकारी ली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद कांग्रेस दफ्तर से बाहर निकली प्रियंका ने कहा कि वो कार्यकर्ताओं से बात कर काफी कुछ सीख रही है। प्रियंका गांधी कांग्रेस के महासचिव के तौर पर कमान संभालने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए लखनऊ दौरे पर हैं। पश्चिमी यूपी के चुनाव प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ मौजूद हैं और उन्होंने मैराथन बैठकों के पहले दिन को काफी अच्छा बताया। प्रियंका के लखनऊ दौरे का आज तीसरा दिन है। प्रियंका गांधी पार्टी दफ्तर में आज बाराबंकी, कैसरगंज, बहराइच, बांसगांव, देवरिया, डुमरियागंज, कुशीनगर और बस्ती के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलेंगी। प्रियंका गुरुवार को भी अपने प्रभार वाली बाकी लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी की स्थिति का जायजा लेंगी। प्रियंका गांधी से कार्यकर्ताओं की मुलाकात नहीं होने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा जो भी कार्यकर्ता उनसे बात करना चाहते हैं प्रियंका गांधी उनकी बात सुन रही है। यूपी के मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे को यूपी सरकार ने 6 महीने का सेवा विस्तार दिया है। अनूप चंद्र पांडे 28 फरवरी को रिटायर होने वाले थे। वहीं सरकार लोकसभा चुनाव में नए मुख्य सचिव के साथ नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए मुख्य सचिव को सेवा विस्तार देने का फैसला किया गया। महात्मा गांधी के 150वीं जयंती वर्ष में जहां केंद्र सरकार कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, वहीं लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोटर कार रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली उन प्रमुख स्थानों से होते हुए गुजरेगी जहां से स्वाधीनता आंदोलन या महात्मा गांधी का कोई न कोई संबंध है। इसके साथ ही इस रैली के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। 20 दिवसीय रैली 4 फरवरी से 24 फरवरी तक चलेगी। पुलिस ने एसपी कार्यकर्ताओं पर छात्रों को बलवा तोड़फोड़, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप सहित 19 अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किए हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर अखिलेश को रोकने के मामले में राज्यपाल से मिले एसपी नेता और कार्यकर्ता। अखिलेश को रोके जाने को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। सीएम योगी ने ट्वीट कर एसपी अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि एसपी को अपनी अराजक गतिविधियों से बाहर आना चाहिए। प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, 10 दिन पहले खुद अखिलेश यादव कुंभ गए थे और स्नान करके आए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अनुरोध किया था कि कुंभ का बहुत बड़ा आयोजन है, खतरा हो सकता है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को प्रयागराज जाने से रोके जाने के मामले में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में अखिलेश की सोच सुर्खियां बटोरने की है, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया, जबकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने किसी भी राजनेता को कार्यक्रम में आने की अनुमति नहीं दी थी। एयरपोर्ट पर एसपी व्यवस्था पिछली सरकार से बहुत अच्छी है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर इंटरनेट टेररिस्ट तैयार करने का आरोप भी लगाया। अखिलेश यादव की माने तो बीजेपी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को डराने में जुटी हुई है। एसपी नेता आजम खान ने अखिलेश को प्रयागराज जाने से रोके जाने पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी आजादी का इजहार नहीं करना चाहिए। अखिलेश जी को रोका जाना घटिया बात है और नौजवानों पर लाठीचार्ज करना निंदनीय कदम है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अखिलेश के प्रयागराज जाने से रोकने पर अपने ट्विटर हैंडल से रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा यह घटना अति निंदनीय और बीजेपी सरकार की तानाशाही दिखाने वाली है। प्रयागराज में पुलिस के लाठीचार्ज मामले में आईजी लॉ एंड ऑर्डर प्रवीण कुमार ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से प्रयागराज में सरकारी होर्डिंग पोस्टर फाड़े जा रहे थे और पथराव भी किया गया, जिसमें सीओ सहित 7 लोग घायल हो गए। ऐसी स्थिति में फोर्स के द्वारा बल प्रयोग किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ कार्यक्रम में जाने की परमिशन नहीं मिलने के बाद यूपी में जगह जगह उग्र प्रदर्शन हुआ। इस बीच वाराणसी में एसपी कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और प्रदर्शन किया।
मुरादाबाद में भी एसपी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला फूंका। इस दौरान कार्यकर्ताओं को समझाने गई पुलिस टीम बाल बाल बच गई। जैसे ही पुलिस ने पुतला बुझाने की कोशिश की, एक दारोगा की पेंट में आग लग गई, जिसके बाद मुश्किल से दारोगा को बचा गया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को प्रयागराज जाने से रोकने के खिलाफ कानपुर में एसपी कार्यकर्ताओं ने ट्रेन ही रोक दी। गुमटी रेलवे क्रॉसिंग पर एसपी की यूथ ब्रिगेड ने प्रदर्शन करते हुए ट्रेन को ही रोक दिया। लखनऊ के कांग्रेस ऑफिस में जमकर हंगामा हुआ। यहां कई कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मिलने पहुंचे थे, लेकिन मिल नहीं सके, जिसके बाद उन्होंने जमकर हंगामा शुरू कर दिया और जमकर नारेबाजी करने लगे। बाद में हालात बिगड़ते देख प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर हंगामा शांत करवाया। चंदौली में एक विदेशी पर्यटक से रेप का मामला सामने आया। कनाडा की 30 साल की युवती से वाराणसी के गाइड अजीत पर रेप करने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी। चित्रकूट में भारी मात्रा में विस्फोट सामग्री बरामद होने से हड़कंप मच गया है। पूरी घटना जिला मुख्यालय बस स्टैंड में उरई डिपो की है, जहां पर ट्रैफिक इंचार्ज रोडवेज बसों की चेकिंग कर रहा था। इसी दौरान एक रोडवेज बस से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। बागपत में पुलिस ने 12 घंटे के अंदर एक शख्स की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शहर कोतवाली में एक भांजे ने अपने ही मामा की मजदूरी ना देने पर हत्या कर दी और शव को हाई पर फेंक कर फरार हो गया। पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी भांजे को पकड़ लिया। सहारनपुर डॉग स्क्वाड टीम के सुपर डॉग एयान की बीमारी के चलते मौत हो गई है, जिसे गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर सभी ने अपनी श्रद्धांजलि दी। डॉग एयान ने कई बड़े काम किए थे, उसी की मदद से ही बिजनौर में आतंकी पकड़ में आए थे। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है, जबकि उसका साथी भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने मौके से तमंचा मोटरसाइकिल बरामद की। पकड़े गए बदमाश पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गोंडा में दबंग की दबंगई सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी में दबंग चीनी मिल के परिसर में कर्मचारी पर गलत तरीके से गन्ना पर्ची बनाने का दबाव डाल रहा था और बात न मानने पर तमंचा कर्मचारी पर ही तान दिया और फिर लहराते हुए वहां से चल पड़ा। पीड़ित की तहरीर पर अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जांच शुरू कर दी। कानपुर में नेशनल हाईवे 2 पर ट्रक का टायर फटने से आगे चल रहे ट्रक से टक्कर के बाद ट्रक में आग लग गई। इस हादसे में ट्रक चालक की जलकर मौत हो गई है। वहीं सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। बरेली के एक फुटवियर शोरूम में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। इस बीच आग की चपेट में आए शोरूम में रखे लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। महराजगंज में गन्ने के खेत में लगी आग को बुझाए गए किसान की जलकर मौत हो गई है। वहीं उसको बचाने गई एक महिला भी गंभीर रूप से झुलस गई, जिसका गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अब आग के कारणों का पता लगाने में जुटी। उन्नाव में 5 दिन पहले गायब हुए छात्र का शव तालाब में मिलने से हड़कंप मच गया है। 5 दिन पहले ही मृतक छात्र के परिजनों ने उसके गायब होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई थी। मृतक छात्र के परिजन अब पूरे मामले में पुलिस पर ढिलाई बरतने का आरोप लगा रहे हैं। जौनपुर में कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक महिला के परिजनों ने हत्या का आरोप महिला के ससुराल वालों पर लगाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपों पर अपनी जांच शुरू कर दी है। सोनभद्र में पुलिस की दबंगई का वीडियो सामने आया, जिसमें पुलिस वाले एक दुकानदार को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अवैध शराब के कारोबार की सूचना पर पुलिस ने दुकान पर छापा मारा था। छापेमारी में पुलिस को कुछ नहीं मिला। दुकानदार का आरोप है कि जांच में कुछ ना मिलने पर पुलिस उससे अवैध वसूली करने लगे और ना देने पर दुकान में तोड़फोड़ की और उसको पीटा। मथुरा में यूपी बोर्ड की परीक्षा के दौरान एक मुन्ना भाई पकड़ा गया है। राय थाना क्षेत्र के जीआईसी कॉलेज विसावली में अरविंद नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया। अरविंद लवकुश की जगह फर्जी परीक्षार्थी बनकर परीक्षा दे रहा था। इस मामले में केंद्र के व्यवस्थापक ने आरोपी अरविंद के खिलाफ फर्जी परीक्षार्थी बनकर परीक्षा देने का मामला दर्ज कराया है। कौशाम्बी में यूपी बोर्ड के इम्तिहान के दौरान एक गुरुजी के खिलाफ नकल कराने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामला चरवा थाना क्षेत्र के शिवरानी देवी बालिका हाई स्कूल का है, जहां 10वीं क्लास का हिंदी का पेपर चल रहा था, जिसमें फ्लाइंग स्क्वाड के चेकिंग के दौरान टीचर वेद प्रकाश बड़ी मात्रा में नकल सामग्री के साथ पकड़े गए। आगरा में विद्युत विभाग में बिलिंग के नाम खुलेआम रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। बंद लिफाफे में 1000 रुपये की रिश्वत मांगने का ऑडियो भी सामने आया। पुलिस ने अचनेरा विद्युत स्टेशन के जेई राजकुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
वाराणसी में रेलवे पार्किंग के टेंडर को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। जानकारी मिलने पर रेलवे और स्थानीय पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल ये टेंडर मंडुवाडी रेलवे स्टेशन की पार्किंग को लेकर डाला जा रहा था। वाराणसी के बाबतपुर में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर यात्री को हार्ट अटैक आ गया। सीआईएसएफ के निरीक्षक ने तुरंत सीपीआर देना शुरू किया और डॉक्टरों को मदद के लिए बुलाया। स्थिति सामान्य होने के बाद यात्री को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुजफ्फरनगर में शॉर्ट सर्किट के कारण कन्फेक्शनरी दुकान में आग लग गई, जिसमें 14 साल का लड़का झुलस कर घायल हो गया। हादसा चरथावल इलाके का है। बताया जा रहा है कि दुकान में रखे फ्रिज में शॉर्ट सर्किट की वजह से ब्लास्ट हुआ था। कानपुर के पनकी मंदिर में मामूली वाद में महंतों के दो गुटों में टकराव हो गया। आरोप है कि महंत जितेंद्रदास के शिष्यों ने दूसरे महंत कृष्णदास के ड्राइवर पर हॉकी डंडों से हमला कर दिया। महंत जितेंद्रदास और उनके शिष्यों की दबंगई सीसीटीवी में कैद हो गई है। अयोध्या में रौनाही के लखनऊ हाईवे पर दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां कार और खड़ी ट्रक की भिड़ंत से कार सवार तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। कार सवार दंपत्ति अपने बेटे के साथ हरियाणा पंचकुला से मऊ जा रहे थे। लखनऊ के थाना ठाकुरगंज इलाके में जुआ खेल रहे चार लड़के पुलिस से बचने के लिए नाले में कूद गए, जिसमें से तीन को तो बचा लिया गया जबकि एक लड़के की मौत हो गई है। लड़के की मौत से आक्रोशित परिवार वालों ने हंगामा किया। हाथरस में कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल की वार्डन पर छात्राओं के अश्लील फोटो खींचने का आरोप लगा है। छात्राओं ने आरोप लगाया है कि वार्डन नहाते वक्त तस्वीरें खींचती हैं और मना करने पर स्कूल से नाम काटने की धमकी भी देती हैं। जानकारी मिलने के बाद अभ्यागतों ने पूरे मामले की शिकायत शिक्षा विभाग के अधिकारियों से की है। बलरामपुर में दबंगों से परेशान एक महिला ने खुदकुशी की धमकी दी है। चाय की दुकान चलाकर गुजर बसर करने वाली इस महिला की जमीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया। प्रशासन को शिकायत की गई तो करीब 1,00,000 रुपये रिश्वत लेने के बावजूद महिला को उसकी जमीन पर कब्जा नहीं मिला। अब परेशान महिला ने खुदकुशी करने की धमकी दी। फरुखाबाद में एक प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी भनक दोनों के घर वालों को लगी तो दोनों पर बंदिशें लगा दी गई, जिसके बाद दोनों ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। सीतापुर में आबकारी विभाग और पुलिस विभाग जागने का नाम नहीं ले रहा। जिले में अभी भी कई थाना क्षेत्रों में अवैध शराब की भट्टियां धड़ल्ले से चल रही हैं, जिसे रोकने वाला कोई नहीं। हमीरपुर से 10वीं क्लास में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्र से पड़ोसी युवक पर रेप करने का आरोप लगा है। आरोप है युवक ने घर में घुसकर छात्रा से रेप किया। इस वारदात से छात्रा को गहरा सदमा लगा, उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वारदात के बाद से ही आरोपी फरार है। बुंदेलखंड के ललितपुर में नशे की हालत में दबंगों ने महिलाओं के साथ छेड़खानी की और जब महिलाओं ने इसका विरोध किया तो अपने साथियों को बुलाकर उन्होंने महिलाओं के घरों पर पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी की। वहीं मीडिया के दबाव के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मथुरा के वृंदावन में कुछ बदमाशों ने तमंचे के बल पर दुकानदारों को जमकर पीटा। पहले तो ये बदमाश ग्राहक के तौर पर मोबाइल शॉप में घुसे, पहले जमकर बहस की और फिर मारपीट शुरू कर दी। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई और इसी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। बागपत कोतवाली पुलिस ने ईंटों से पीट पीट कर ट्रैक्टर चालक की हत्या करने के मामले में 12 घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस की जांच में हत्या करने वाला कोई और नहीं, मृतक का भांजा ही निकला। पुलिस के मुताबिक पैसे के बाद में भांजे ने अपने मामा की ईंटों से पीट पीट कर हत्या कर दी थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुस्लिम फ्रंट की बैठक के दौरान छात्रों पर कवरेज करने आए मीडिया कर्मी और दूसरे समुदाय के छात्रों के साथ अभद्रता करने का आरोप लगा है। घटना के बाद हिंदूवादी नेता थाना सिविल लाइंस में एएमयू के छात्रों के खिलाफ तहरीर देने पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने का मसला 7 जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया है। यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2006 के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी उच्च न्यायालय के फैसले को अलग से शीर्ष अदालत में चुनौती दे रखी है। बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 2016 में शीर्ष अदालत से कहा था कि वो यूपी सरकार की ओर से दायर अपील वापस लेगी। मथुरा पहुंचे प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक ने यूपी वेटनरी विश्वविद्यालय में नवनिर्मित 2 प्रयोगशालाओं का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने योगी सरकार की नीतियों और प्रदेश में हो रही नकल मुक्त प्रशिक्षण की जमकर तारीफ की।
आगरा में छात्र संपन्न सक्सेना ने 67 इंच की घड़ी बनाई जो चर्चा का विषय बनी हुई है। इससे पहले 57 इंच की घड़ी अब तक बनाई गई है जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। इस घड़ी को बनाने में 45 दिन का वक्त लगा। घड़ी की खासियत यह है कि इसे 15 मिनट में कहीं भी फोल्ड करके ले जाया जा सकता है। प्रयागराज में लगे कुंभ मेले में आस्था और आध्यात्म के साथ साथ खाने पीने की चीजें भी लोगों को आकर्षित कर रही हैं। इनमें भी तंदूरी चाय का स्वाद लोगों को खूब भा रहा है। अलग अलग राज्य से आए हुए लोग इस चाय का लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि इसकी कीमत आम चाय के मुताबिक थोड़ी सी ज्यादा है। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से जयपुर में ईडी आज फिर पूछताछ करेगी। बीकानेर जमीन घोटाले मामले में रॉबर्ट वाड्रा ने इससे कल 9 घंटे पूछताछ हुई। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को हुई पूछताछ में ईडी वाड्रा के जवाब संतुष्ट नहीं है। उनकी मां मोरीन से भी सवाल पूछे गए। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी की रैली। ममता बनर्जी समेत विपक्ष के कई नेता शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरने की विपक्षी एकजुटता की तस्वीर बनती हुई दिखाई दे सकती है। दिल्ली के करोलबाग होटल में लगी आग में मरने वालों की संख्या 17 हुई। जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। होटल को सील करते हुए होटल मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी के लखनऊ दौरे पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान। कहा पहले भी 2 लड़के आए थे, खुद को महाबली बताया लेकिन अब कहां है पता नहीं। बीकानेर के लाड़गढ़ रेलवे स्टेशन की खड़ी बोगी में अचानक से आग लगी। आग से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से जलकर ट्रेन की बोगी खाक। पंजाब के पठानकोट स्वाइन फ्लू से दूसरी मौत हुई। पंजाब पुलिस के एएसआई गुलजार सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। पठानकोट के सिविल अस्पताल में चल रहा था इलाज। राजस्थान में गुजरों के आंदोलन का आज 6ठा दिन। ट्रेन और बसों को रोकने के बाद आज दूध की सप्लाई रोकने की तैयारी। राजस्थान सरकार विधानसभा में 5% आरक्षण पर बिल लाने की तैयारी में है। कैबिनेट की बैठक में गुजरों की मांग पर चर्चा हुई। अब देखना यह है कि कब तक सरकार इस पर कदम उठाती है। कुलभूषण जाधव मामले में 18 फरवरी को इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। 19 फरवरी को कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान अपनी दलील रखेगा। 20 फरवरी को भारत उसका जवाब देगा।